औरैया जिले के अछलदा क्षेत्र अंतर्गत गांव पुराना अछलदा में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक घर में लगी आग। आग की चपेट में आने से 19 वर्षीय लड़की की मौके पर हुई मौत, तो वहीं आग से लाखों का सामान खाक हो गया। आपको बता दें कि थाना अछलदा के अंतर्गत आने वाला गांव पुराना अछलदा में रहने वाले आसिफ अली के घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग से जलकर उनकी 19 वर्षीय पुत्री शबनम की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही आग से घर की गृहस्थी का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि ये घटना रात के लगभग 12 बजे की है। परिजनों के अनुसार शबनम की शादी होने वाली थी। उसकी शादी भदान चिरुहली गांव निवासी ईदू पुत्र इब्राही से तय हुई थी। उन्होंने एक एक कर शादी का सामान इकट्ठा किया था, जिसमें कुछ कपड़े, शादी का सामान और कुछ पैसे भी थे। ऐसे में गरीब का आशियाना जलकर राख हो गया और बेटी भी दुनिया से अलविदा हो गई। शॉर्ट सर्किट हो गया लाइट का, शॉर्ट सर्किट हो गया और लाइट आगे लग गई और उसी में से बिटिया खत्म होगी वहाँ से। अच्छा, अंदर लड़की क्या कर रही थी उसमें? सिलाई कर रही थी। क्या नाम था उसका? शबनम। शबनम तो वो निकल नहीं पाई और छप्पर एकदम ऊपर गिर गया, इसलिए वो और लाइट थी और उसी कारण से सर्किट से और पकड़ा, करंट दौड़ गया, उसी लाइट वो खत्म हो गई। अच्छा, आग कैसे बुझाई फिर तुम लोगों ने? ग्रामीणों की मदद से, मतलब सभी लोगों ने बुझा दी। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए औरैया से आशीष सविता की रिपोर्ट।